राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में चुनाव पर मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 4 साल के कामकाज का प्रेजेंटेशन दिया। वहीं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट किसान सम्मेलन कर रहे हैं, साथ साथ सीएम अशोक गहलोत पर सवाल भी उठा रहे हैं। नागौर की किसान रैली में सचिन पायलट का पूरा फोकस नौजवानों और किसानों पर ही था, तो वहीं निशाना बीजेपी पर था। लेकिन इशारों इशारों में सचिन पायलट ने पेपर लीक केस के बहाने अशोक गहलोत की सरकार को जमकर घेरा। सचिन पायलट ने कहा कि जब पेपर लीक होते हैं तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स और उनके परिवारों की मायूसी देखी नहीं जाती। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छोटे मोटे दलालों को पकड़ रही है, इससे काम नहीं चलेगा, बड़ी मछलियों पर एक्शन होना चाहिए। पेपर लीक के बहाने सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा तो उन्होंने भी जवाब देने में देरी नहीं की। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां पर पेपर लीक वालों को कानून के दायरे में लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गहलोत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि पेपर लीक में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट की रैली में अच्छी खासी तादाद में लोग जुट रहे हैं। सचिन पायलट की रैलियों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।